आदर्श अकेडमी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और जीके और करंट अफेयर इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब से संबंधित अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श अकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जो 22 मार्च 2017 का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ है उसके जो क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं वो आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं उसका अगर पीडीएफ फाइल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया गया है, उससे जुड़ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप में सारे पीडीएफ फाइल, सारे वीडियोस, करंट अफेयर, जीके से संबंधित हम आपको पोस्ट करते रहेंगे, आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लीजिए और घंटी का निशान आएगा उसको भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए, हमें मैथ्स के, रीजनिंग के एक क्वेश्चन और इंग्लिश के और जीए के क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मिले हैं हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले जीए क्वेश्चन यानी जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन मिले हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि चोल वंश के संस्थापक कौन हैं। अगर आपको उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। इसका उत्तर है राजेंद्र प्रथम चोल वंश के थे, ये इन्होंने इसकी स्थापना की थी। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, यमुना कृष्णा जी को इन्फोसिस अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया। तो देखिए, यमुना कृष्णा जी को अवार्ड जो दिया गया था इन्फोसिस के द्वारा, जो है इन्फोसिस अवार्ड जो था वो मुख्य रूप से 6 लोगों को दिया गया था जो टॉप रिसर्चर थे साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के, ठीक है, तो उनमें ये भी शामिल थे तो इनको भी ये अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दीनदयाल स्पर्श योजना को किसने आरंभ किया। तो इसका जो उत्तर है वो है मनोज सिन्हा जी, ये नवंबर का करंट अफेयर है 2017 का, तो उससे पूछा जा रहा है। तो दीनदयाल स्पर्श योजना को किसने शुरू किया था, इसको मनोज सिन्हा ने शुरू किया था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित, पंचवर्षीय योजना का जो हमारा वीडियो है उसको आप लोग जरूर देख लीजिए क्योंकि उसमें सारी चीज़ों का बताया गया अच्छी तरीके से कि योजना क्यों लाई गई थी, उद्देश्य क्या था, कब कब शुरू हुआ, बीच में अवकाश काल कब था और ये योजना का पर्पज क्या था या मेन एम क्या था, ठीक है। तो पंचवर्षीय जो योजना लाई गई थी 11वां, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था या मेन फोकस जो था वो था रैपिड और इंक्लूसिव ग्रोथ, मुख्य रूप से पॉवर्टी को रिड्यूस करना, ये उद्देश्य था। इसके बाद संविधान से संबंधित 4-5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका 11 से लेकर 18 तक, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया संविधान के, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, ये लिखा है 36, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 ये संविधान के किस भाग में है। तो इसका उत्तर है भाग नंबर 4 यानी पार्ट 4 में संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक का उल्लेख किया गया है। फिर इसके बाद भारत की पड़ोसी जो राज्य देश है उसका नाम है नेपाल, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल की राजकीय भाषा क्या है। तो देखिए, नेपाल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है नेपाली, इसको गोरखाली भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, तो नेपाल में जो लुम्बिनी है वहाँ पर इनका जन्म स्थान था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर संबंधित, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रैंक में भारत का स्थान, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट रैंक निकाला गया था उसमें भारत का स्थान कौन सा था। तो देखिए, भारत का जो स्थान था वो 62 था। उसके अलावा जो भारत के पड़ोसी देश है जैसे चाइना और पाकिस्तान, इनसे भारत की स्थिति थोड़ी सी इसमें कम है, तो भारत इनसे पीछे है। चाइना का जो रैंक है वो है 26 और पाकिस्तान का जो रैंक है वो 47, ये 2018 का करंट अफेयर है, ठीक है। तो भारत की जो रैंक है वो 62 है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट रैंक निकाला गया था। अब बात करते हैं मैथ्स के पोर्शंस की, उससे पहले हम इंग्लिश के पोर्शंस की बात कर लेते हैं। देखिए, इंग्लिश में हमें जो क्वेश्चंस मिले हैं यहाँ पर हमें एंटोनेम्स से क्वेश्चंस मिले हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था थ्वाट का जो है एंटोनेम्स, उसके बाद एक था एनाइल का एंटोनेम्स, उसके बाद एनोनेम्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें सुपर फ्लोइस से पूछा गया था एक क्वेश्चन, उसके बाद एडम से पूछे गए थे कम इन हैंडी, इसका आपको एडम्स बताना था। तो ये हमें 4 क्वेश्चंस मिल पाए हैं इंग्लिश के। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चंस आपको पता चल रहे हैं आप हमको बताते रहिए। फिर रीजनिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 12, 17, 21 इसके बाद क्या आएगा, इसका उत्तर आप लोग को बताना था। तो देखिए, 12 से 17 कितने का अंतर है, 4 का, फिर 17 से 21 4 का अंतर। तो इस प्रकार से अगला जो स्टेप होगा या अगला जो नंबर आएगा वो 24 आएगा, लेकिन जो ऑप्शंस में दिए जाते हैं उस अनुसार हमें उत्तर देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमें इतना ही मिल पाया क्वेश्चन, तो इस अनुसार जो उत्तर होगा वो होगा 24। अब मैथ के यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, एक पूछा गया था 87% ऑफ स्टूडेंट पास एंड 2093 स्टूडेंट फेल, यानी 87% स्टूडेंट पास हुए और 2093 स्टूडेंट फेल हो गए, तो आपको टोटल नंबर स्टूडेंट बताना है।
तो देखिए 87% स्टूडेंट पास हुए, यानी कि 13% जो स्टूडेंट थे वो फेल हुए, और 13% स्टूडेंट कितने हैं, ये 2093 हैं। तो इस प्रकार से 1% स्टूडेंट को आप निकाल सकते हैं, और इस प्रकार से जब टोटल जोड़ेंगे 100% का निकालेंगे तो आपको 16100 पर नंबर मिलेगा स्टूडेंट का, यानी 16100 स्टूडेंट पास हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि नंबर ऑफ जीरोज इन फैक्टोरियल 129, यानी 129 के फैक्टोरियल में आपको जीरो कितने आते हैं उसको बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें चार फैक्टोरियल की तो क्या होता है, चार फैक्टोरियल का उत्तर 4 × 3 × 2 × 1 × 0, ठीक, और सबका फैक्टोरियल होता है, तो इस प्रकार से निकालते हैं। तो लास्ट में देखिए इसमें 01 आता है, इस प्रकार से 129 का जब आप फैक्टोरियल निकालेंगे तो टोटल 31 0 आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर आप लोग बताते रहिए। आगे बढ़ते हैं, रेक्टेंगल का पैरामीटर दिया था 264 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी दी थी 8 सेंटीमीटर, और आपसे डायगोनल पूछा जा रहा था। डायगोनल किसका पूछा जा रहा है, तो रेक्टेंगल का ही पूछा जा रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया था कि 2 + 10 = 60, इसका उत्तर आप लोगों को बताना था। फिर राइट एंगल एट वाई पे आपका साइन एक्स इक्वल टू 12/13 दिया है, आपको कॉस एक्स जेड निकालना था, ठीक है, इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर एक क्वेश्चन दिया था डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया था, आपको एरिया ऑफ सर्किल, ये ए आर ई नहीं है, एरिया है, एरिया ऑफ सर्किल आप लोगों को निकालना था। आगे बढ़ते हैं, फिर जो वर्क से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उससे संबंधित क्वेश्चन था, यानी कार्य और समय से संबंधित। तो उसमें क्वेश्चन था कि ए बी और सी तीन लोग हैं, ये किसी कार्य को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में करते हैं, तो इन हाउ मेनी डेज दे कैन वर्क टुगेदर टू कंप्लीट वर्क, यानी एक साथ ये लोग मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कैलकुलेट एरिया ऑफ स्फीयर, और डायमीटर दिया था 14 सेंटीमीटर, और डीआई में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बार ग्राफ से पूछा गया था। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन हमें मिल पाए हम आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान को जरूर दबाइए, और इसकी पीडीएफ फाइल या फिर इस क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है, उस लिंक पर प्रेस करिए और डायरेक्ट आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ये एक व्हाट्सअप जैसा ही ग्रुप होता है जिसमें एजुकेशन से संबंधित वीडियोज हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।